सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये स्वागत योग्य है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती। नीतीश कुमार जी कहते थे कि वो करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन चारा घोटाला जिस पार्टी पर इल्जाम हो उसी के साथ गठबंधन है, और अभी जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू जी के बीच में बातचीत हुई है उसका टेप आया है, उसके बाद भी ये सरकार गठबंधन में है, क्योंकि बिहार में कानून का राज नहीं है। पूरी तरह से हर तरह का समझौता नीतीश कुमार जी सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आया है वो सभी के लिए मान्य है। जदयू कोई कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। खुद देश की क्या हालत कर दी है, कश्मीर में क्या हो रहा है, खुलेआम आतंकी के शव के बीच में आतंकी आके गोली चलाते हैं, और इनको हमसे प्रश्न पूछने का मॉरल है? लालू जी एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं, बिहार में कोई हालत खराब नहीं हो रही है, महागठबंधन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक फजूल का शहाबुद्दीन का ड्रामा क्रिएट किया गया, पिछले साल का एक ऑडियो टेप चलाया गया, उस पर बिहार सरकार कार्रवाई कर चुकी थी। मीडिया के नजरों में और भारतीय जनता पार्टी के नजरों में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन महागठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा एकजुट होकर महागठबंधन बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें न्यायालय से बाहर के किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कहना चाहिए। बीजेपी तो हमेशा इस चक्कर में लगी हुई है कि कैसे नीतीश जी से गठबंधन टूटे और वो सट के नीतीश जी से सरकार में चले आए, इसी लालच में बीजेपी की नींद हराम हो रही है। जो आदमी न्यायपालिका का सम्मान करता है वो न्यायपालिका के हर निर्णय को, और फिर न्याय का जो अधिकार क्षेत्र में दूसरे न्यायालय हैं या बड़े बेंचेस हैं उनमें कोई व्यक्ति जा सकता है, न्यायालय के फैसलों का हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए।